जय हिंद। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों सामने वीडियो देख रहे हैं हमारे जुबिलेंट किरण स्केटन की और इसका इरेक्शन होने वाला है आज। तो देख सकते हो सामने हमारे केबिन पड़ी है और पीछे क्रिकेट हमारे आने वाला है। और आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे टावर किरण के इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देख सकते हो सामने हमारा केबिन है और केबिन हम लोग इसको पूरा असेंबली कर दिए हैं, जो जो पार्ट टू पार्ट इसका जोड़ दिए हैं। और ये रहा हमारा पीछे केज, केज का प्लेटफार्म और मास प्लेटफार्म और रेलिंग और उसका जग और पूरे पूरे तो जोग। और उसके बाद हम लोग पावर पैक जो भी है सारा कुछ इसका कंप्लीट कर दिए हैं, देख सकते हो सामने फिल्म में। और ये हमारा रहा पीछे काउंटर जी और बॉक्स है और ट्रॉली है और आगे हमारा बूम है, हमारी हेड्रा है और देख सकते हो सामने मास भी जोड़ दिए हैं। और उधर मोबाइल किरण हमारी आने वाली है। तो पहला कैसे उठेगा, पहला स्टेप क्या होगा आपको जरूर दिखाएंगे और दूसरा स्टेप इसका क्या होगा आपको जरूर दिखाने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत स्टार्टिंग होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि थोड़ा धूप है। और उसके बाद में पूरा मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि हमारा काम है जो साइड छोटा है, ठीक है। और स्टेप बाई स्टेप फटाफट साइड पर काम होने वाला है और काम होने के बाद में हम लोग दूसरा चीज़ करेंगे। तो देख लीजिए वीडियो में और जो भी है आपको जरूर दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो फ्रेंड्स देख सकते हो सामने फिलहाल में हमारा मोबाइल पर अंदर एंट्री हो रहा है, बैक साइड से आ रहा है क्योंकि आगे साइड से आएगा तो थोड़ा इसका रेडियस कम हो जाएगा, बैक साइड से है तो थोड़ा रेडियस बढ़ जाएगा, जो भी बढ़ेगा बट बढ़ेगा जरूर जो सामने वीडियो में आप देख रहे हो। इसके बाद में तो फाइनली हम लोग पहले बेस्ट मास जा चुका है, देख सकते हो बेस्ट मास है। इसके बाद दूसरा मास फिर आने वाला है, फिर किया जाएगा। तो स्टेप बाई स्टेप आपको जरूर दिखाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहें, देख सकते हो हमारा सेकेंड इंडियन कंपनी की है, सिंगल रोप पे है। फ्रेंड्स फिलहाल में हम लोग का बेस्ट मास जा चुका है, दूसरा मास है। तो हम लोग का तीन बेस्ट मास दिया था और एक नॉर्मल मास था और हमारा तीनों नॉर्मल मास है जो कि 3 वोल्ट वाले हैं। बाकी बेस्ट मास जो था वो हमारा 4 वोल्ट वाले थे, यानी कि 3 वोल्ट वाले थे, सॉरी ये हमारा 2 वोल्ट वाला है। तो देख सकते हो हमारा केबिन है और हमारा ट्रोली ट्रोली प्लेटफार्म हम डाल दिए हैं। और उसके बाद एक एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसका जो रोप का सिस्टम है, रोप का सिस्टम थोड़ा अलग दिया है ताकि क्रेन में क्या करेंगे जो लोग देख रहे हो ना ट्रोली का, ये किधर लोक होने वाला है आपके हिसाब से? आगे से नहीं लोक होगा, पीछे से लोक होगा, जो रोप वो साइड से चल के आएगा, यानी कि होस्ट मोटर के साइड से चल के आएगा इसमें। बाकी क्रेन में क्या आगे से चल के आएगा तो इधर लोक होगा, लेकिन एक उल्टा है उधर से लोक होके आएगा तो इधर चलेगा और ये साइड से देख रहे हो इधर का लोक हो जाएगा। थोड़ा अलग दिया है तो, लेकिन फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो सामने आप, ये हमारा ट्रॉली है और इसका रोप का पहला निकलेगा इसमें से बराबर, तो आएगा सीधा दूसरे पुली में से नीचे जाएगा, तो जिसमें डबल हुक डबल पुली है उससे घूमते हुए आएगा ऊपर ए साइड में, ए साइड से निकल के फिर नीचे जाएगा, नीचे से होते हुए जो सिंगल पुली हुक का है उसमें से ऊपर होकर इसमें ऊपर आएगा, वापस इसमें से ऊपर होकर आगे चल जाएगा। तो देख सकते हो तीन ही पुली दिया है, 3 ट्रोली दिया है और 3 हुक में दिया है। तो सामने देख सकते हो वीडियो में आप। तो लेकिन फिलहाल में ट्रोली मस्त है, बेहतरीन है और थोड़ी इसकी गैप है ज़्यादा है और इसकी जो चौड़ाई है ज़्यादा है और नॉर्मल ट्रोली से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि सिंगल ट्रोली है। अगर दूसरी डबल ट्रोली होती तो एरिया थोड़ा कम रहता है, सिंगल ट्रोली इसके साथ थोड़ा चौड़ाई और गैप ज़्यादा है इसमें। तो देख सकते हो बूम के हिसाब से जितनी बड़ी बूम की चौड़ाई रहेगी उस हिसाब से ट्रोली रहेगा। और फिर रोलर देख रहे हो, रोलर बेहतरीन है एकदम इसका, मस्त एकदम है, ये टूटे भी नहीं और कटेगा भी नहीं। अंदर इसके बैरिंग है बट बैरिंग का सब अलग अलग नंबर आता है, ये देख सकते हो इसके अंदर से हमारा रोप जाने वाला है। अगर रोप कभी ट्रोली का टूटे या कटे ये खड़ा हो जाएगा और ट्रोली आगे पीछे नहीं होगी, देख सकते हो सामने फिलहाल में वीडियो में आप। ये हमारा बेस्ट मास्क खुल गया और हमारे मोबाइल पर ना गई है, तो ये मास्क को भेजेंगे, उसके बाद हम भेजेंगे केज को, तो एक एक करके भेजेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग का केज भी आ गया है, आधा से ज़्यादा हो गया है, देख सकते हो सामने थोड़ा हाथ में दृष्ट लगा है, दूसरे हिसाब से नहीं देखा पा रहा हूँ बट देख सकते हो हमारा केज का भी काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कनिंग टेबल केबिन साथ में भेजेंगे, फिर आप देख सकते हो इधर हमारा काम चालू है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे। तो फ्रेंड्स केज डालने के बाद आएगा हमारा ये टर्निंग टेबल और केबिन, देख सकते हो सामने वीडियो में आप, ये हमारा वर्क चालू है। और बाकी थोड़ा हम लोग बूम जोड़ दिए हैं
ट्रोली भी डाल दिए हैं और अभी थोड़ा सा एक बूम और लास्ट वाला बाकी है, तो देख सकते हो सामने आप, देख सकते हो सामने वीडियो में हमारा केबिन जा रहा है, उसके नीचे मास है और हमारा ऊपर टावर हेड रहा, देख सकते हो सामने। इसके बाद हम उठाने वाले हैं काउंटर जिप, एक एक करके स्टेप बाई स्टेप उठाएंगे और आपको दिखाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक आप बने रहें। दोस्तों फाइनली हम लोग का बूम का भी काम हो चुका है और इसके बाद उठाने वाले हैं काउंटर जिप, देख सकते हो कंपनी का बोर्ड, का कंपनी का नाम लगा है जो कि कंपनी अपने नाम से बनवाई है बोर्ड, देख सकते हो हमारा काम कंप्लीट हुआ बूम का। हैदरा जा रहा है काउंटर बेट लेने और यहाँ पर देख सकते हो आगे लेडीज़ काम कर रही हैं और जो बोर्ड का इस तरह ऑयल और कुछ था साफ सफाई कर रही हैं, बट लिमिट हमारा देख सकते हो अभी काम चालू है। तो इसके बाद हमारा एक काउंटर जीप भी उठने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे। दोस्तों फाइनली देख सकते हो सामने ये हमारा काउंटर जीप भी जा रहा है और देख सकते हो थोड़ा धूप की वजह से थोड़ा ब्लैक आ रहा है, पर देख सकते हो सामने, चलते हैं ऊपर, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे। दोस्तों देख सकते हो सामने से कैसा दिख रहा है, बेहतरीन एकदम क्या नज़ारा है और लाइट भी ज़बरदस्त दिख रहा है। चलते हैं ऊपर तो दिखाते हैं आपको हमारा काउंटर जीप कैसे लग रहा है और कैसे लगने वाला है, पिन कौन से पहले लगाएंगे और कितनी डिग्री हमें हाइट करना है, सारा कुछ दिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने। तो दोस्तों प्यार में देख सकते हो सामने वीडियो में आप, ये हमारा भूमि दिखा दिया है और उसके बाद अगर बूम लग जाएगा तो बाकी टेक्सी अगर काउंटर पर डाल देंगे तो ये हमारा पूरा इलेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। जो सामने वीडियो में देख रहे फिलहाल में देख सकते हो कुछ रीजन हो गया है और रीजन क्या हो गया है, ब्रेक फ्री नहीं हो रहा है इसका दबाने के बाद भी, ठीक है, तो थोड़ा नया क्रेन है तो इंजन कंपनी से बात हुआ था, बोल रहे कि नया क्रेन है तो इसके हिसाब से थोड़ा जाम चलेगा, कभी 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 कोई ऐसा होता है, एक दो में ऐसा प्रॉब्लम आया था, आपको इसे खींच के लेना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा जाएगा, ज़्यादा स्पीड पर नहीं जा पाएगा और फिर नॉर्मली रहता है तो हाथ से घुमा लोगे तो फटाफट घूम जाएगा, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा इसमें ताकत लग रही है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है, देख सकते हो सामने। इसी रीज़न से हमारा काम थोड़ा स्लो हो गया है और शाम भी हो चुकी है, उसके बाद में सूर्य नारायण डूब जाएंगे तो फिर वीडियो भी अपलोड या रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। बता दो आपको ये हमारा बूम है और ये बूम जब कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी का काउंटर पर डाल देंगे, फिलहाल में दो काउंटर पर हमने डाल दिया है और इधर बाकी का काम हो चला है, तो बस यही हमारा काम बाकी है। जो सामने आप देख रहे हैं क्या करें, ऐसा प्रॉब्लम हो गया बट लेकिन ऐसा इशू नहीं होता था, देख सकते हो ऐसा इशू हो गया तो इसके लिए क्या करें। दोस्त आपके लिए इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।